खबर जो निष्पक्ष है, खबर जो निडर है, खबर जो उठाती है आपकी आवाज, खबर 7C, खबर जो सच है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सौरभ गुप्ता, खबर 7C न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। आइए ले चलते हैं उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों की ओर। आज वाराणसी जिले के पिशाच मोचन में ठंड के बारे में लोगों से हमारे संवाददाता आशीष सिंह ने लिया जानकारी। लोगों का कहना है कि कई सालों के बाद इस तरह की ठंड पड़ रही है और मौसम इस तरह हो गया है कि जैसे शिमला। आइए देखते हैं खबर 7C की लाइव कवरेज। नमस्कार, खबर 7C न्यूज चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आइए, मैं आशीष आज वाराणसी काशी नगरी में है इस समय, और इस समय जैसे कि हम वाराणसी में हैं लेकिन गलन और ठंडी इस कदर है कि लोग जो है अपने काम में न बिजी होकर केवल अलाव ताप रहे हैं। इस तरीके का माहौल इस ठंडी से बना हुआ है, जैसे लग नहीं रहा है कि यह काशी नगरी है, जैसे लग रहा है कि हम शिमला में आ चुके हैं, इस तरह का यहाँ पे ठंड है। तो आइए, हमारे साथ में बहुत सारे कुछ लोग हैं यहाँ पे, उनसे भी हम जानकारी लेना चाहेंगे कि जो यह ठंड लगातार दिन पे दिन बढ़ रही है वाराणसी में, इसको लेके आप क्या कहना चाहते हैं। सर, अपना नाम बताइए। हमारा नाम धीरज कुमार है जी। धीरज जी, ये बताइए क्या लग रहा है आपको ठंड को लेके? नहीं, ठंड काफ़ी है हमारे हिसाब से। हम कम से कम 20 साल बाद ये ठंड देख रहे हैं। 20 साल के बाद आप यह ठंड देख रहे हैं। कौन सा काम करते हैं आप? मोटर पार्ट्स का जी। तो इस ठंड में बिजनेस व्यवसाय किस तरीके का आपका चल रहा है? ढीला है। तो कस्टमर आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं? कस्टमर तो आ ही रहे हैं, इसी बात नहीं है। कस्टमर आ रहे हैं लेकिन जो एक तरह से होना चाहिए वो मिजाज नहीं है। हाँ, वो मिजाज नहीं जी, बिल्कुल। आइए देखिए, यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, अलाव जल रहा है, लोग अपने हाथ को गर्म कर रहे हैं। कुछ और लोग हैं, उनसे भी जानकारी लेते हैं। जी भाई साहब, नाम क्या है आपका? महेश कुमार जी। महेश जी, क्या लग रहा है आपको ठंड के लिए? अरे, इस बार बहुत भयानक ठंड पड़ गई है जी। ठंड बढ़ गई? हाँ, बढ़ गई। क्या करें हम जी, बिल्कुल। आइए, जैसे लोग देख रहे हैं यहाँ पे, जैकेट भी लोग खरीद रहे हैं, एक लोग जैकेट बेच भी रहे हैं यहाँ पे। जी भाई साहब, कहाँ से आप आए हैं? ये हम बगल से आ रहे हैं, लल्लापुरा से। जी, लल्लापुर से आप आ रहे हैं। हाँ। तो एक क्या बेच रहे हैं आप? ये जैकेट हम बेच रहे हैं जी। जैकेट बेच रहे हैं आप? हाँ। तो आपको ठंड लग रही है कि नहीं लग रही? अरे, ठंड लग रहा है। कहीं सड़क पे कहीं अलाव लगा ही नहीं है जी। अलाव नहीं लगा हुआ है? कहीं नहीं लगा जी। कौन सा एरिया है ये? हाँ। ये नई पोखरी पिशाच मोचन में है जी। पिशाच मोचन में है, लेकिन यहाँ पे लोगों को एक माहौल लग रहा है कि मतलब कहीं पे अलाव की व्यवस्था नहीं है। आपको खुद ही देखने में लग रहा है कि कहीं भीड़ भड़ाका है जी। जी, जी, जी बिल्कुल। मतलब एक तरीके से जो यह माहौल बना हुआ है कि ठंड से लोग परेशान हैं। तो आइए चलेंगे कुछ और जगह, इसके बाद वहाँ से इस हम माहौल को, इस ठंड और गलन का जो परिदृश्य बना हुआ है। जी बिल्कुल। तो इस समय देखिए, हम वाराणसी के नदेसर मार्केट में पहुँचे हुए हैं और यहाँ भी एकदम ठंड के कारण एकदम पूरा सन्नाटा छाया हुआ है। एक दूर दूर तक जैसे केवल जिसका काम है वही निकल रहा है, नहीं तो सारे लोग एकदम अलाव के आगोश में हैं। तो आइए, हम एक दुकानदार भाई साहब हैं, उनसे भी हम जानकारी लेंगे कि यह जो ठंडी है, ठंडी किस तरह से बढ़ रही है धीरे धीरे। 4-5 दिनों से लोगों का कहना है कि बहुत तेज़ी से ठंडी बढ़ रही है। तो भाई साहब, नाम क्या है आपका? मेरा नाम अभिषेक है, अभिषेक खन्ना जी। खन्ना साहब, ये बताइए कि क्या लग रहा है आपको इस ठंडी को लेके, और आज का क्या माहौल रहा ठंडी को देखते हुए? आज का माहौल, मार्केट तो एकदम डाउन हो गई है ठंड की वजह से, कोई आदमी काम करने के मूड में नहीं है जी। और ठंड ऐसी पड़ रही है जैसे मनाली और कुल्लू मनाली का जैसे माहौल हो गया एकदम जी। और हम लोग खुद कंबल लेके और शॉल लेके बैठे हुए हैं इस समय, इतना ठंड महसूस हो रही है जी। बिल्कुल। बिजनेस व्यवसाय पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है? पूरा इफेक्ट है, कोई काम नहीं है, काम एकदम डाउन हो गया, क्योंकि लेबर क्लास काम करने के इच्छुक में नहीं है। आग जला के वहीं बैठे हुए हैं और अपना काम निकाल रहे हैं, बस धीरे धीरे कैसे कर रहे हैं, ये तो भगवान ही मालिक है इनका जी। जी जी, ठंड का असर बहुत ज़्यादा है जी। बिल्कुल, जैसा लकी लोगों का कहना है कि ठंड का असर बहुत ज़्यादा है और कुल्लू मनाली शिमला जैसा सर्द यहाँ पे आ गई है। तो इस तरीके का माहौल इस समय वाराणसी में है, और ऐसे ही हम आगे चलेंगे और कुछ लोगों से भी जानकारी लेंगे कि क्या माहौल लग रहा है ठंडी को लेकर। आ जाइए, इस समय हम नदेसर पे दूसरे छोर पे खड़े हुए हैं, एक पान की दुकान है, और यहाँ पे भी देख रहे हैं ठंड का असर देखने को मिल रहा है। कुछ लोग हैं, उनसे भी जानकारी लेंगे। जी भाई साहब, नाम क्या है आपका? मुकेश चौहान। मुकेश चौहान जी, ये बताइए क्या लग रहा है आज की सर्द को देख के इस वाराणसी में? बहुत तगड़ा जो सर्दी है जी, बहुत तगड़ी सर्द है। तो इस सर्दी से बचने के लिए क्या यूज कर रहे हैं आप? देख रहे हैं भैया ना, सामने जैकेट वगैरह, मफलर वगैरह जी, जी दाम हो रहा है यही सब। फिर इसके बाद मुंह में जो बनारस का जो असली है तंबाकू और पान यहाँ के जो फेमस है पूरे विश्व में, तो उसका आप सेवन कर रहे हैं। और ये एक भाई साहब दुकानदार जी हैं, उनसे भी जानकारी लेंगे। जी भाई साहब, नाम क्या आपका? शुभम पटेल जी। शुभम पटेल जी, ये बताइए कि क्या लग रहा है आपको आज की सर्द को देखते हुए? ठंडी तो ज़्यादा है
जो ठंडी पे ज्यादा है, तो आप इस समय दुकान पे बैठे हुए हैं, कस्टमर बराबर आ भी रहे हैं, पान का स्वाद भी ले रहे हैं, क्या लग रहा है आपको? क्या बताएं, ठंड तो है, बाकी सब ऐसे ही चल रहा है। जी जी बिल्कुल, आइए, एक लोग और हैं, उनसे भी जानकारी लेते हैं। जी भाई साहब, नाम क्या आपका? अर्नल पटेल जी। अर्नल जी, ये बताइए क्या लग रहा है आज की सर्दी को देख के इस वाराणसी में? वाराणसी में जो चहल पहल थी वो अभी कम है, आदमी सभी व्यक्ति घर से बाहर नहीं निकल रहे, जिसको काम है वही निकल रहा है, और बहरहाल बहुत बहुत बुरा असर है इसमें ठंडी। जैसे लग रहा है कि शिमला वाली ठंड, कुल्लू मनाली और शिमला फेल है इसमें। जी जी, इस तरह का माहौल बना हुआ है, जैसा कि हम अपने खबर सेवन सी न्यूज़ चैनल के साथ बराबर कई जगहों पे हम देखे, लोग अलाव भी ताप रहे हैं, यहाँ पे लोग अलाव जला के भी बैठे हुए हैं। तो इस तरह का पूरे ठंड से एक माहौल बना हुआ है। ऐसे ही इंटरेस्टिंग खबरों के साथ लगातार हमारे साथ बने रहे। मैं खबर सेवन सी न्यूज़ चैनल के साथ अपने साथी कैमरामैन अभिषेक पटेल के साथ आशीष कुमार सिंह, वाराणसी।